मिला हमें सनी और अनीशा का प्यार बड़े स्क्रीन पर। किसने की गदर 2 के बनने की पुष्टि और कौन बनेगा गदर 2 के सीक्वल का डायरेक्टर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति और स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गदर 2 की। सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी स्टार सुपरहिट फिल्म गदर 1 प्रेम कथा का खुमार आज तक दर्शकों के सिर चढ़ा हुआ है। तभी ना हर कोई इसके पार्ट 2 के बनने की राह देख रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मेकर्स इसके सीक्वल को बनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में आप दोबारा बड़े पर्दे पर सनी और अमीषा की जबरदस्त केमिस्ट्री देख सकेंगे। फिल्म गदर का हैंड पंप उखाड़ने वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जिसे दर्शक देख आज भी सिनेमाघरों में सीटी और तालियां बजाने को मजबूर हो गए थे। अक्सर फिल्म के सीक्वल बनाए जाने पर लीड जोड़ी बदल जाती है, लेकिन गदर के पार्ट 2 में लीड रोल में सनी देओल और अमीषा पटेल ही रहेंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके अलावा मूवी से जुड़े दूसरे कलाकारों से भी संपर्क किया जा रहा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष भी इसे लीड रोल में दिखाई देंगे। बताया जाता है कि उत्कर्ष ने फिल्म के पहले पार्ट में सनी और अमीषा के बेटे जीता की भूमिका निभाई थी, जबकि उन्होंने बतौर एक्टर साल 2018 में फिल्म जीनियस इन बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर 1 प्रेम कथा के सीक्वल पर तैयारी शुरू हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के डायरेक्टर अनुज शर्मा ने की है। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्लॉट रेडी है और स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। शर्मा का कहना है कि वे फिल्म के ऐलान के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल ही मुख्य भूमिका में होंगे। पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल कर चुके उत्कर्ष शर्मा इस बार भी फिल्म में नजर आएंगे। अनिल शर्मा फिलहाल धर्मेंद्र, उनके बेटे सनी, बॉबी और पोते करण देओल के साथ अपने 2 में व्यस्त है। फिल्म गदर 1 प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ गई थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। साल 2001 में जब फिल्म गदर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, उसने कई रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म ने उस समय 10 करोड़ टिकट बेचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गदर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।